हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू बोट की ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच बोट वेव बीट की, जो कि 1299 रुपीस के प्राइस पे लॉन्च की है बोट ने। और इस स्मार्ट वॉच के सबसे बड़े हाइलाइट्स हैं इसकी 550 निट्स की ब्राइटनेस, मेटालिक फिनिश, IP68 की वाटर रेजिस्टेंस और ऐसे कई सारे फीचर्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हर बार की तरह मैं आपको इसमें डिटेल रिव्यू दिखाने वाला हूं, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन हो, वॉच यूआई हो, ऐप इंटरफेस हो, या फिर एंड में इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी क्यों ना हो। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या आपको 1299 रुपीस के प्राइस पे बोट वेव बीट बाय करनी चाहिए या नहीं। और दोस्तों, इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड में अगर आप मन बना लेते हैं इसको बाय करने का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इस वीक में काफी सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की वीडियो आने वाली है। और कई सारे प्रोडक्ट्स की वीडियो तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। AQFit की जो W16 स्मार्ट वॉच है, ये भी 1299 रुपीस के बजट में लॉन्च हुई है। नॉइस के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि काफी सारे लॉन्च होने वाले हैं, उन सभी की वीडियो हमारे चैनल पे सबसे पहले आने वाली है। तो जरूर टेक मंजिल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले अगर बॉक्स के कुछ फीचर्स की बात करें, तो जैसा आप बॉक्स के पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 1.69 इंच का HD डिस्प्ले, 550 निट्स की ब्राइटनेस, क्लाउड एंड कस्टम वॉच फेसेस, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ऑल टेक सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, IP68 की वाटर रेजिस्टेंस, कैमरा, म्यूजिक एंड कंपैटिबल है एंड्रॉइड और iOS दोनों के साथ। तो दोस्तों, 1299 रुपीस के प्राइस में आपको एक स्मार्ट वॉच मिल रही है, वो भी बोट ब्रांड की तरफ से, वही सबसे बड़ी बात है। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, इस बार काफी यूनिक पैकिंग के साथ बोट की स्मार्ट वॉच हमारी यहाँ पे आ गई है। और अगर आप बॉक्स कंटेंट्स की कुछ यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें काफी सारी मैनुअल्स मिल जाती है, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डिटेल में आपको सेटअप और सारी डिटेल्स दिखाऊंगा। और आगे हमें बॉक्स में मिल जाता है इसका एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है और आपको चार्जिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद एंड में आ जाती है हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन देख लेते हैं। तो अभी सारे कंटेंट्स को साइड रख के आते हैं मेन प्रोडक्ट पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टिकर उतार देता हूं, और जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गई हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। बिल्कुल मेटालिक फिनिश यहाँ पे साइड में आपको दिया जाता है, और सबसे अच्छी बात यह कि काफी ज्यादा स्लीक है और इसके स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी काफी डिसेंट है। बैक साइड में अगर बात करूं, तो यहाँ पे हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसको मैं जल्दी से उतार देता हूं। और अगर बात करें इसके क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें सेंसर्स मिल जाते हैं, मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है, और दूसरी साइड पर हमें एक स्लीक सा बटन दिख जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी वाइज स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा अच्छी है, और इसका जो कर्व डिस्प्ले वो बहुत ही एलिगेंट लुक प्रोवाइड कर रहा है स्मार्ट वॉच को। तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, जल्दी से इसको बूट करते हैं और देखते हैं कैसे है इसके डिस्प्ले की क्वालिटी। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को बूट कर लिया, और अब जल्दी से इसको पेयर करते हैं इसकी ऐप के साथ, जो कि है बोट क्रेस्ट ऐप। अब अगर बात करें सेटअप की, तो आपको सिंपली डाउनलोड करनी है बोट क्रेस्ट ऐप प्ले स्टोर से, और उसके बाद ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करके आपको कनेक्ट कर लेनी है अपनी बोट वेव बीट स्मार्ट वॉच। तो जैसा आप देख सकते हैं, विद इन सेकंड्स हमारी स्मार्ट वॉच पेयर हो गई है इस डिवाइस के साथ, और अब हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफी इजी सेटअप था इस स्मार्ट वॉच का, आपको सिंपली इसको ऐप के साथ पेयर करना था। अब अगर बात करें स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो दोस्तों साइड एंगल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं इसके, और रेजोल्यूशन भी काफी ज्यादा डिसेंट कहूंगा इसके बजट के हिसाब से। और अगर बात करें ब्राइटनेस की, तो मैंने अभी इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल मिनिमम किया, आप इंडोर्स में काफी इजीली यूज कर पाएंगे इसको, और मैक्सिमम ब्राइटनेस में आउटडोर्स में भी आपका काम काफी आराम से चल जाएगा। 550 निट्स की ब्राइटनेस दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मेरे हिसाब से काफी डिसेंट ब्राइटनेस है ये। और अब अगर बात करें वॉच यूआई की, तो जैसे हम नीचे स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक इंटरफेस दिख जाएगा, जैसे कि सेटिंग्स वगैरह, और यहाँ पे आप बैटरी बैकअप और डेट को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर बात करें लेफ्ट स्वाइप करते हैं क्या मिलता है, तो सबसे पहले स्टेप्स कैलकुलेटर मिल जाता है, फिर यहाँ पे SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, और साथ ही साथ म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स दिख जाते हैं। और एंड में आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन बार, जहाँ पे आप अपनी नोटिफिकेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। और अगर बात करें वॉच फेसेस को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख जाएंगी वॉच फेसेस की। और मेरे हिसाब से मैं हमेशा ऐसे ही वॉच फेसेस प्रेफर करता हूँ, जिसमें आपके बेजल्स बिल्कुल मिनिमम दिखें। और मेन्यू पे जाने के लिए आपको सिंपली ऊपर स्वाइप करना है, और यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटीज दिख जाती है, जहाँ पे आपको बेसिक स्पोर्ट्स मोड दिख जाएंगे, और IP68 की वाटर रेजिस्टेंस होने की वजह से आप इसको इजीली पानी के अंदर ले जा सकते हैं, और एक्टिविटी रिकॉर्ड्स वगैरह भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो हेल्थ सेंसर्स के बाद यहाँ पे आपको ब्रीथ एक्सरसाइज मोड भी मिल जाता है, नोटिफिकेशन, स्टॉप वॉच और टाइमर जैसे फीचर्स, और एंड में आप अलार्म वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के अंदर ही। फ्लैशलाइट का फीचर मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, और एंड में आपको म्यूजिक कंट्रोल के साथ फाइंड माय फोन की ऑप्शन दिख जाती है। तो सेटिंग्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले वॉच फेस और स्क्रीन स्लीप टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन, DND, सिस्टम सेटिंग्स, जिसमें आप रीसेट, रीबूट और पावर ऑफ कर सकते हैं इस डिवाइस को। तो ओवरऑल दोस्तों, वॉच का यूआई काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ है, और मुझे 1299 रुपीस के हिसाब से काफी डिसेंट यूआई लगा है स्मार्ट वॉच का। तो दोस्तों, अब देख लेते कैसे इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर करके। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें हार्ट रेट मॉनिटर की, तो जैसा आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सिमिलर रीडिंग दिख रही है, और मेरे हिसाब से काफी अमेजिंग एक्यूरेसी है इसके HR मॉनिटर की। और अगर बात करें SpO2 मॉनिटर की, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 98% दिख रहा है, और यहाँ पे 99%, तो प्लस माइनस 1 का डिफरेंस दिखेगा। और मैं वैसे भी हमेशा कहता हूँ कि आपको हेल्थ ग्रेड डिवाइसेस का यूज करना चाहिए अपने हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, इंस्टेड ऑफ बजट स्मार्ट वॉचेस। एंड में अब अगर बात करें स्टेप्स कैलकुलेटर की, जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले अपनी स्मार्ट वॉच जर्नी में, तो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने इसको पहन के अराउंड 150 स्टेप्स चले, और इसने कैलकुलेट किया 153 स्टेप्स। तो आप इस पे इजीली रिलाई कर सकते हैं स्टेप्स कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ पे आपको कैलोरीज बर्न वगैरह भी दिख जाता है। दोस्तों, बैटरी बैकअप की अगर बात करूं, तो मैं स्मार्ट वॉच को काफी दिनों से यूज करूँ, और मेरे हिसाब से
इसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा डिसेंट है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं 6 से 7 दिन तक, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह भी नहीं मिलती, तो आप इजीली काफी ज्यादा बैटरी बचा सकते हैं और चार्जिंग टाइम भी काफी क्विक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बैटरी से रिलेटेड। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें ऐप रिव्यू की, तो जैसा आप जानते हैं बोट क्रेस्ट ऐप एक काफी ज्यादा अमेजिंग ऐप है, जो कि काफी सारी वॉचेस में मैं ऑलरेडी आपको रिव्यू करके दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी ब्रीफ में अगर मैं इस ऐप के इंटरफेस की बात करूं तो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। मेन पेज पे आपको सारे हेल्थ सेंसर्स का डेटा दिख जाएगा, माय बॉडी चैलेंजेस वगैरह भी आप कर सकते हैं, और एंड में आ जाते हैं मेन फीचर पे जो कि वेव बीट के फीचर्स, और यहां पे आपको सबसे पहले वॉच फेसेस दिख जाते हैं, जो कि काफी सारी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं क्लाउड वॉच फेसेस में भी, बैकग्राउंड में आप कस्टम वॉच फेसेस भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पे आपको और भी बेसिक ऑप्शंस दिख जाती है। और गूगल फिट ऐप से कनेक्ट करना काफी इजी है, सेटिंग्स में आप जाके बेसिक सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं और यहां से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका इंटरफेस काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको यूज करते वक्त। फाइनली अब अगर बात करें कंक्लूजन की, कैसी लगी है मुझे स्मार्ट वॉच 1299 रुपीज के प्राइस पे, तो मेरे हिसाब से दोस्तों 1299 रुपीज में शायद ही आज से पहले बोट की कोई स्मार्ट वॉच आपको मिली होगी, और मेरे हिसाब से इसका जो बिल्ड और डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है अगर इसके बजट को कंसीडर करें। रेस टू वेक का फीचर भी काफी अच्छे से काम करता है ऑन ऑफ में दोनों में, और साथ ही साथ 550 nits की ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डिस्प्ले प्रोवाइड करती है स्मार्ट वॉच को। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच देख रहे थे अंडर 1500 की कैटेगरी में, तो आप इजीली स्मार्ट वॉच के लिए जा सकते हैं, इसका बेस्ट बैंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारे चैनल पे 3 से 4 नई स्मार्ट वॉच की वीडियो आने वाली है सेल में, और काफी सारी डील्स के ऑफर भी मैं लाऊंगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।